नमस्कार। राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे जो इस संसार में आए हैं सत्ता और सिंहासन के लिए, जिन्हें ऑक्सीजन से ज़्यादा मान सम्मान प्रिय है, रिस्पेक्ट तो चाहिए चाहिए जीवन में, ऐसे सिंह राशि के जातकों के लिए केतु महाराज का जो भ्रमण हो रहा है, केतु महाराज का जो गोचर हो रहा है सेकेंड हाउस में, वो गोचर आपके लाइफ में क्या फल देगा। 30 अक्टूबर को केतु महाराज जो मुक्ति के दाता हैं, मुक्ति के कारक हैं, मुक्त कर देते हैं, ऐसे केतु महाराज सेकंड हाउस में आए हैं तो क्या आपको आर्थिक स्थिति जो खराब थी उससे मुक्त कर देंगे? परिवार में जो परेशानियां थी उससे मुक्त कर देंगे? क्या क्या देंगे केतु महाराज? आज चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। याद रखिएगा, केतु महाराज यहाँ पे चार ग्रहों का फल लेके चलेंगे और 9 तरह के फल देंगे, इसलिए कंसंट्रेट होकर वीडियो देखिए। ऐसा डिटेल में वीडियो अन्यत्र शायद ही मिले, ठीक है? और 9 प्रकार के फलों में 2-2 माह का फल आएगा। कितने माह का? 2-2 माह का फल आएगा। इसलिए आप चाहें तो पेन कागज लेके नोट कर सकते हैं। केतु मुक्ति के कारक है, मुक्त कर देते हैं पूर्व जन्म के ऋण से, परेशानियों से मुक्त कर देते हैं। देखिए, संसार में जो बंधन है ना, वो यही है कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्मा है, उन कर्मों को चुकाने के लिए संसार सागर में आए हैं, और उनसे जो मुक्ति वो देता है उसका नाम है केतु। इसीलिए केतु को मुक्ति का कारक, मुक्ति का ग्रह कहा गया है। आपका ऋण शेष नहीं रखेगा, तो ऋण शेष ना रहे इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी आपके केतु का काम है। तो केतु महाराज सेकंड हाउस में चलेंगे। सेकंड हाउस आपके धन का है, तो केतु क्या धन के घर में धन की हानि करेंगे, धन की करेंगे वृद्धि? यक्ष प्रश्न आपके सामने। तो सदैव याद रखिएगा कि केतु महाराज कुजवत होते हैं। क्या होते हैं? केतु कुजवत होते हैं। कुज मतलब मंगल की तरह केतु फल देंगे, और आपके कुंडली में मंगल महाराज जो हैं सुख के स्वामी हैं, मंगल महाराज भाग्य के स्वामी हैं, और सबसे मजे की बात यह है, सबसे खास बात यह है कि केतु आपके लिए बुरा क्यों नहीं कर सकते। देखिए, आपके लगन में केतु, आपके पंचम भाव में केतु, आपके नवम भाव में केतु, तीनों त्रिकोण में केतु, केतु से आप बंधे हुए, केतु से आप बने हुए हो, जब जिससे आप बने हुए वो नुकसान कैसे देगा आपको? मघा के स्वरूप में केतु आपके लगन में, मूला के स्वरूप में केतु आपके पंचम भाव में, ठीक, अश्वनी के रूप में केतु आपके भाग्य के घर में। इसलिए तीनों त्रिकोण केतु से बने हुए हैं, बंधे हुए हैं। जो मिडिल पिलर है ना, वो केतु का है, इसलिए आपकी लाइफ में मिडिल नहीं, स्टार्टिंग का जो पिलर है वो केतु का है। इसलिए आपके लाइफ में जो कुछ भी मिलेगा वो केतु के द्वारा मिलेगा। अश्विनी नक्षत्र आपका भाग्योदय कराएगा, मघा नक्षत्र आपको शक्ति देगा, संपन्नता देगा, जीवन में आगे विकास देगा, मूल नक्षत्र आपके जीवन में आपको गति प्रदान करेगा। क्या करेगा? गति प्रदान करेगा। तो गति गति को लेकर चलने वाले हैं आप लोग, और यह क्रम जो है 18 माह तक चलेगा। कितने माह तक? 18 माह तक चलेगा। तो 18 माह की गोचरी स्थिति कैसे बनेगी आपके लाइफ में, उसी का चर्चा का केंद्र बिंदु। तो पहले स्टार्ट करेंगे केतु महाराज बुध के राशि में, कन्या राशि में और कन्या नवांश में। हाँ, एक पॉइंट और, केतु महाराज यहाँ मंगल का फल लेके चलेंगे, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में चलेंगे, बुध की राशि में चलेंगे इसलिए बुध का फल लेंगे, हस्त नक्षत्र में चलेंगे इसलिए चंद्रमा का फल लेंगे, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चलेंगे इसलिए सूर्य का फल लेंगे। एक और पॉइंट आप सोच सकते हैं, इतना डिटेल में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बता देता इस माह ये होगा, इस माह ये होगा, नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, और ज्योतिष इस दुनिया में सबसे सरल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज्योतिष आप भी सीखें। मैं आपको टू द पॉइंट बताते चल रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे साथ सीखते जाइए, क्योंकि भारतवर्ष में लाखों अच्छे ज्योतिषियों की आवश्यकता है, ठीक। तो उत्तर चित्रा नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे। चित्रा का मतलब मंगल का नक्षत्र है, और मंगल आपकी कुंडली में क्या है? आपके भाग्य के स्वामी, सुख के स्वामी, इसलिए यह भाग्योदय का कारक होगा, सुख का कारक होगा। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कन्या राशि के कन्या नवांश में स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए नवंबर और दिसंबर धनदायक माह है। क्या है? धनदायक माह है। डायरी में नोट कर लीजिए, धन मिलेगा नहीं मिलेगा तो बताइएगा। अब आपकी क्षमता के अनुसार मिलेगा, देने वाले ने अपनी तरफ से कोई कमी न की, किसको क्या मिला उसके मुकद्दर, मुकद्दर मतलब आपकी क्षमता की बात है। तो अगर आप क्षमतावान हैं, डेफिनेटली यहाँ पे लाभ होगा, गुप्त धन मिलेगा, गुप्त तरीके से केतु लाभ
प्राप्त कराते हैं, गुप्त तरीके से आपको लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, सट्टा से शेयर लॉटरी से लाभ होगा, लेकिन सिर्फ मेरे कहने से पैसा मत लगाइएगा। पॉइंट नोट करिए, सिर्फ मेरे कहने से पैसा मत लगाइएगा। अपना बर्थ चार्ट चेक करिए, महादशा अंतर सबको चेक करके तब पैसा लगाइएगा, नहीं आपको घाटा हो जाएगा, बाद में मेरे को ब्लेम दोगे आप। नहीं, केतु यहाँ पे आपको इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ा कर देगा, 18 माह आपकी इंट्यूशन पावर होगा, इसलिए जब शक्ति आपके पास हो तो आपको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक, किसी को बेवजह मत बोलिएगा, नहीं बोल दोगे हो जाएगा, श्राप दे दिए, कुछ गड़बड़ कर दिए, हो जाएगा। अब केतु का जो इंट्यूशन पावर है उसको आप अपने तक सीमित करके रखोगे, राहु उस पर अगर हावी हुआ तो राहु फैला देगा, और फिर राहु क्या है, अष्टम भाव में कब्र में गिरता हुआ हाथी है, लेकर डूब जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को बिल्कुल नोट करके रखिएगा, किसी को कुछ बताना नहीं है, अपना चुपचाप काम करते हुए निकलना है। तो यह माह आपके धन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद केतु महाराज सिंह अनवांश में आएंगे, तो जनवरी फरवरी मान सम्मान रिस्पेक्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट ना मिले। मार्च अप्रैल आपके विदेश गमन का है, दूर देश की यात्रा का, यहाँ पे दूर देश की यात्रा होगी। यहीं पे केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे, चले जाएंगे हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो विदेश का गमन होगा, आपके हाथ में कला होगी, वाणी में कला होगी, जो कुछ आप बोलना चाहेंगे कहना चाहेंगे वो कर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मिथुन सॉरी केतु महाराज हस्त नक्षत्र में जाएंगे, कर्कनवांश में जाएंगे, कर्कनवांश में थोड़ा विदेश गमन आपका रहेगा, बाहर को घूमना रहेगा। इसके बाद मिथुन नवांश में आएंगे, तो मिथुन नवांश में ये आप देखें तो मार्च अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का जो समय होगा वो यहाँ पे मिथुन नवांश में आएंगे। मिथुन नवांश आपके लिए हर तरह से लाभकारी है, हर तरह से लाभकारी, लाभ के नए स्रोत मिलेंगे, पिता से लाभ, बड़े भाइयों से लाभ, सबसे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात ये वृषभ नवांश में आएंगे, वृषभ नवांश आपके कर्मा का नवांश है, सरकार से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ होगा। हाँ, थोड़ा पिता से बना के रखिएगा, अगर पिता से आप बना के नहीं रख पाएंगे तो सरकार से लाभ नहीं होगा, पिता से लाभ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात ये मेष नवांश में आएंगे, क्या मेष नवांश में, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे, मतलब अक्टूबर, तो अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2024 के बाद जो स्थिति बनेगी बेहतर स्थिति बनेगी। क्यों बेहतर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके केतु महाराज मेष नवांश में अक्टूबर के आसपास का फल देना शुरू करेंगे, और मेष नवांश क्या है, आपके भाग्योदय का नवांश है, तो 2024 में यहाँ भाग्योदय का समय है जब मेष नवांश में केतु महाराज गोचर करेंगे। इसके बाद केतु महाराज मीन नवांश में आएंगे, मीन नवांश आपके गुप्त धन का, गुप्त तरीके से नुकसान का, ससुराल वालों से संबंधों को विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं आप ससुराल से संबंध खराब हो जाएंगे। इसके पश्चात अंत में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जब तृतीय चरण में आएंगे तब कुंभ नवांश में आएंगे, कहाँ आएंगे, कुंभ नवांश में, कुंभ नवांश में और मकर नवांश में। जो कुंभ नवांश और मकर नवांश है, या थोड़ा सा आपको तनाव देने वाला है, थोड़ा सी परेशानी के साथ आप चलने वाले हैं, ठीक है ना, स्थितियाँ इतनी बेहतर नहीं होंगी। तो केतु महाराज चार ग्रहों का फल देंगे आपको, चंद्रदेव का, बुधदेव का, सूर्यदेव का और मंगलदेव का, चार ग्रहों का फल, और साथ में तीन नक्षत्रों का प्रभाव लेके चल रहे हैं। अतः केतु महाराज आपको मुक्त करने के लिए आ रहे हैं, किससे मुक्त करेंगे, परेशानियों से मुक्त करेंगे, धन संबंधी पीड़ा से मुक्त करेंगे, परिवार में जो पीड़ाएं थी उससे मुक्त करेंगे। एक ही चीज़ का याद रखिएगा, केतु सेकंड हाउस में जब होते हैं तो कभी न कभी माँ सरस्वती आपके जीवा पर वास करते हैं, इसलिए वीणा को, वाणी को वीणा बनाए, वाणी को बाण न बनने दे, अगर वाणी बाण बन गई तो ये कुटुंब का है, कुटुंब में बिखराव हो जाएगा। याद रखिएगा, केतु अलग भी करते हैं, केतु परेशानियों से मुक्त कर देते हैं, जिस पार्ट में बैठते हैं उस पार्ट से मुक्त कर देते हैं। अब सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस आपका धन है, तो अगर आपने केतु को बिगाड़ा, केतु के रेमडीज को बिगाड़ा, देखो भाई चाकू जो है ना घर में सब्जी काटती है, डॉक्टर के हाथ में चाकू होता है तो ऑपरेशन करके आपको बचा लेता है, वही चाकू लुच्चों के हाथ में, लफंगों के हाथ में होता है तो नक्कड़ पे खड़े होकर आपकी जेब काट लेते हैं, डाकू के हाथ में होगा गला काट देगा। एक ही चाकू है, उपयोग अलग है, उपयोगी ना जीव लक्षणम, अगर आप जीव हैं तो उपयोग करने का तरीका सीखिए। तो अगर आप केतु की एनर्जी को सही तरीके से ऑब्जर्व कर सके तो केतु आपको धनदायक स्थिति में बेहतर परिणाम देकर जाएगा, और भाई आपके घर में वायर आ रहा है, अगर आप उसको गलत तरीके से मिसयूज करो तो घर में आग लगेगी, घर को लगी है आग, घर के चिराग से।
केतु को ठीक करने के लिए ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सह केतवे नमः। पितरों का मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। कोई भी घर में काम कर रहा है, पितरों को याद करके करिए, पितरों को स्मरण करके करिए, आपके काम डेफिनेटली होंगे। आप चाहते हैं केतु आपके बहुत सुंदर फल दें, आप पैर के नाखूनों को साफ सुथरा रखिए, ठीक, पैर के नाखूनों को साफ सुथरा रखिए। अगर आपके यहाँ के बाल झड़ रहे हैं ना, देन केतु आपके खराब हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो गुरु की एनर्जी को ग्रहण करके रखेंगे, केतु अपने आप ठीक होंगे। पितरों का मान सम्मान करेंगे, बड़ों का मान सम्मान करेंगे, केतु अपने आप ठीक होंगे। आपका जो जल स्थान है घर में, वहाँ पे एक दीप दान किया करिए, अमावस्या अमावस्या करिए, केतु सुंदर फल देंगे, सुंदर फल देंगे, ठीक है ना। मंदिर में कभी ना कभी रुई का दान करने से भी बेहतर परिणाम आपको मिलने वाला है। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, केतु के नजीक कनेक्ट करिए, क्योंकि केतु महाराज धन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके लाइफ में पधार रहे हैं। राधे।